सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं गाजियाबाद RRTS का स्टेशन, के गाजियाबाद के स्टेशन कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है वो आप लोग इस वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और ले कर चलने वाला हूँ आज मैं आपको दुहाई स्टेशन तक, तो बने रहिए के पी संत के साथ में दोस्तों। तो बताते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो अभी जो टीन शेड बनाने का काम है वो चल रहा है, इसके रूफ को बनाने का काम चल रहा है। टीन शेड पहले बना लिया जा चुका था, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और आपको बता दूं एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाने का वर्क चल रहा है। और देख सकते हैं ये राइट में, ये लेफ्ट में फ्लाईओवर, उसके बाद में महामाया स्टेडियम। तो आपको बता दूं इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट इसमें 5 दिए जा रहे हैं। और ये आपको बता दूं ये तिराहे पर बना हुआ है स्टेशन। आपको बता दूं कि इसमें के जो एंट्री और एग्जिट बनाने का काम है वो पहले तो क्या नाम है, न्यू बस अड्डा रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जो कि मेट्रो स्टेशन से रेड लाइन से जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद में इधर भी बनाया जाएगा, उधर भी बनाया जाएगा, यानी कि जो आपका तस्वीर आप लोग देख सकते हो, सामने धूप पड़ रही है तो इस वजह से ज़्यादा नहीं चमक रहा है। तो इसको आपको ये सरकर ले कर और फिर आपको दिखाते हैं अच्छी तरीके से, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर देखते रहो, केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता है दोस्तों। तो देख सकते हो ये टीन सेट का ही पिलर है, खंबा है दोस्तों, देख सकते हो कितनी भारी भरकम ये क्रेन मशीन है और इस खंबे को ले जा रही है। और देख सकते हो कि इससे बाइक वाले को बिल्कुल तसल्ली नहीं है, वो इसके नीचे से अभी आ जाएगा, देखना आप लोग कि किस तरीके से ये आ जाता। और बाई चांस ये गिर जाए तो क्या होगा बताओ, अब ये इनको दोष दे देंगे। तो थोड़ी सी सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है दोस्तों, बताओ। 2 मिनट वेट नहीं कर सकता था, अगर कर लेता तो इसका क्या हो जाता, अगर ये पट्टी टूट जाए और इसके ऊपर जाकर गिरता तो क्या होता इसका हाल। तो दोस्तों ये सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतनी जल्दी बाजी में हो, ऐसा नहीं है, देख सकते हो। तो अभी यही वर्क चल रहा है और मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे से मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है इस RRTS के कॉरिडोर को दोस्तों। जब मैंने पहली बार इसका वीडियो बनाया था तब आप लोग देखना कि किस तरीके से ये बनाया गया था, वो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना दोस्तों। तो देख सकते हो ये नीचे का फ्लोरिंग चल रहा है और ये कौन कौन लेवल का भी इस पर सेटरिंग लगा हुआ है, उसमें भी अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है दोस्तों। और इसके जो प्लेटफॉर्म लेवल है उसके ऊपर टीन सेट को लगाने का वर्क चल रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, ये रेड लाइन है, ये RRTS जाएगी और यहाँ से ये देख सकते हो ये फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, कौन कौन लेवल का जो एंट्री और एग्जिट बनाने का पॉइंट बनाया जा रहा है वो। और इसको जोड़ा जाएगा शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से, यानी कि रेड लाइन से जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इधर ये महामाया स्टेडियम से भी जोड़ा जाएगा। और इधर ये सामने लगा हुआ है इसका चौधरी चरण सिंह की मूर्ति, उसमें भी एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जाएगा दोस्तों। तो यही बनाए जा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग इस साइड से देख सकते हो, ये मेरठ के लिए चली जाती है डायरेक्ट रोड। तो देख सकते हो इस पर अभी क्या वर्क चल रहा है अपनी आंखों से देख सकते हो। और ये फ्लोरिंग चल रही है कौन कौन लेवल की, देखो ये जोड़े जा रहे हैं एक दूसरे से, जोड़ने के बाद में फिर ये चार ग्राउंड हो जाएंगे इसका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ पर है RRTS चलेगी, तो जो सेकंड लेवल का काम है वो चल रहा है अभी, थर्ड लेवल का हो चुका है उस पर अभी आपको बता दूं दोस्तों कि उसमें मार्बल की फ्लोरिंग चल रही है। और इधर तो फ्लोरिंग कर लिया गया था और इधर ट्रैक बिछा दिया जा चुका है, इस पर देखो ट्रैक भी बिछा दिया गया है। अब इसको ये सेटरिंग जो लगाई थी वो उतारी जा रही है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो, केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन
देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हो मैं यहाँ से आप लोगों को लेकर चलूँगा बिल्कुल डायरेक्ट। पहले चलेंगे इसका गुलडहर का स्टेशन दिखाएंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दुहाई का स्टेशन दिखाने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए केपी संत के साथ में, और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अभी देख सकते हो इस पर टीन सेट का काम चल रहा है, इस पर जो फ्लोर है वो बनाया जा रहा है, इस पर टीन सेट डाला जा रहा है जो कि स्टेशन के ऊपर होने वाला है दोस्तों। और इस पर फ्लोरिंग किया जा रहा है नीचे सेकंड फ्लोर के लिए, सेकंड फ्लोर का इस पर फ्लोरिंग किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, कुछ ऐसे ये है नज़ारे यहाँ के। तो आप लोग बताना क्या वीडियो कैसे लगते हैं केपी संत के, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और देता रहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं गाज़ियाबाद स्टेशन की वीडियो बना रहा हूँ RRTS की दोस्तों, क्योंकि इस पर ट्रैक बिछ के बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लग चुके हैं, उन पर ओवरहेड इक्विपमेंट भी लगा दिया जाएगा, अब इन पर वायरिंग का काम किया जाना है दोस्तों। और आपको बता दूँ साहिबाबाद से और गाज़ियाबाद के बीच में अब ट्रायल भी स्टार्ट हो जाएगा रैपिड रेल का, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो आप लोग धैर्य रखो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया आप लोगों ने तो। यह है गुलडहर का स्टेशन, देख सकते हो ये पहले ही कंप्लीट कर लिया जा चुका है, इसका सारा काम बिल्कुल कंप्लीट है, एकदम रेडी है। और आपको बता दूं कि जो इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का काम है वो चल रहा है, और बाकी तो सारा काम हो गया, इस पर स्क्रीन डोर भी लगा दिए जा चुके हैं, और सारा काम मतलब कम्प्लीट ही हो चुका है ऐसे समझ लो आप लोग। अब ये लेफ्ट हैंड पर इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जाना है, वो अभी इनमें देखा जा रहा है कि कहाँ पर जगह है और फिर वो बना दिया जाएगा। तो इस पर दो ही एंट्री एग्जिट पॉइंट रहेंगे, एक लेफ्ट में दूसरा राइट में दोस्तों। तो ये बिल्कुल पहले ही कंप्लीट हो गया था और इस पर सारा फिनिशिंग का ही काम चल रहा है, बाकी तो ये कंप्लीट है। आपको बता दूँ ये गुलडहर का स्टेशन RRTS का दोस्तों। तो आप लोग बताना क्या वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर ज़रूर करना हमारी वीडियोज़ का, अगर नहीं किया आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा।
तो दोस्तों आप लोग बताना कमेंट करके नीचे कि कैसा लगा वीडियो, और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। केपी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।